लाइफ में कुछ करना है तो आपको चैलेंजेस उठाना पड़ेगा। आईपीएल डेढ़ या दो महीने का जॉब था ना, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हैं, आप घर में बैठे रहते हैं। अफगानिस्तान का कोचिंग लिया तो सब बोलते हैं वो लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या। मेरा एक ही कहना है कि टीम ऊपर जाना चाहिए, ग्राउंड जाना चाहिए। मैं रॉन्ग एरा में पैदा हुआ बिकॉज वहाँ पे मुझे कम्पीट करना था सुनील गावस्कर के साथ। नमस्कार, न्यूज 18 के क्रिकेट की बातचीत में आज हम बात करेंगे लालचंद राजपूत जी से। लालचंद राजपूत जी निश्चित रूप से किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज वो ग्लोबल कोच की एक पहचान बना चुके हैं। लालचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दुनिया जानती है, क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि आपने एज ए कोच टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया 2007 में। उसके बाद आप आईपीएल से जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद एक आपका जो जर्नी शुरू होती है आपकी, वो अफगानिस्तान के थ्रू जाती है जिम्बाब्वे तक। अफगानिस्तान जो तब क्रिकेट के नक्शे में ही कहीं नहीं था, कोई नहीं जानता था कि क्रिकेट के नक्शे में कभी इतनी मजबूती से उभरेगा। आप जब उसे गाइड करते हैं उस टीम को, वो टीम आती है और आज की तारीख में दुनिया की ताकतवर टीमों में शुमार होने के लिए जगह बना रही है और एक ऐसी टीम है जो कभी भी अपने दिन पर किसी को हरा सकती है। उसके बाद आप उस टीम को छोड़ करके आगे मूव करते हैं, आप जिम्बाब्वे से जुड़ते हैं। जिम्बाब्वे जो 90s के दशक में एक अच्छी टीम होती थी, मजबूत टीम होती थी, वो बाद में अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से एक तरह से बाहर हो जाती है दृश्य से, इवन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही होती है वो टीम। आप उस टीम से जुड़ते हैं और अब वो टीम भी वर्ल्ड कप खेलेगी। तो ये जो ग्लोबल जर्नी है आपकी एज ए कोच, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। शुरुआत 2007 के वर्ल्ड कप से ही, वर्ल्ड कप आपने जिताया एज ए कोच, उस वर्ल्ड कप का एक लम्हा जो आपको हमेशा याद रहता है। सी, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है ना, बिकॉज लाइफ में कुछ करना है तो आपको चैलेंजेस के उठाना पड़ेगा। और मुझे एक चैलेंज आया था कि 2007 वर्ल्ड कप जो हमने जीता, और वो लम्हा कभी भूल नहीं सकता हूँ, बिकॉज ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, पहले दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, कोई बैकग्राउंड नहीं किसी को, हमने कभी कोई मैचेस नहीं खेले, लेकिन मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करता है उसको हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि लोग बोलेंगे माउंट एवरेस्ट पे कौन फर्स्ट टाइम गया, सबको तो पता है, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोग आते हैं तो उनके नाम नहीं होते, लेकिन फर्स्ट टाइम। तो यही हम ड्रेसिंग रूम में हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट टाइम है गाइस, हम लोग कुछ ना कुछ कर बताना है। और इसीलिए हम वो वर्ल्ड कप जीते, और वो वर्ल्ड कप का सबसे अहम चीज़ थी कि जब हम वापस लौटे मुंबई में, हमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा रिसेप्शन भी हो सकता है लाइफ में। और ओपन बस थी, एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक निकलने के लिए हमें 6 घंटे लगे, 6 घंटे, और हार्डली 45 मिनट्स का रन था। और उस दिन संडे था, सब छुट्टी थी, बंद था, लेकिन लोग, करोड़ों लोग तो मैं कहूँगा कि रास्ते पर आ गए और हमें रिसीव करने के लिए और उनका सपोर्ट बताने के लिए। कोई छत पे खड़ा है, कोई बालकनी से देख रहा है, कोई रोड के साइड में टेम्पो के ऊपर खड़ा है, और कोई बिस्किट फेंक रहा है, कोई पानी की बॉटल फेंक रहे हैं, कोई सेब फेंक रहा है, एप्पल। तो ये बताया कि हमारे जनता कितनी खुश थी, क्योंकि कि वर्ल्ड कप कभी जीता नहीं था। उसके पहले जो 2011 का वर्ल्ड कप था, 2003 का, वो 50 ओवर का था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था। और मैं कहूँगा कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि मुंबई स्टैंड स्टिल थी। मुंबई कभी सोती नहीं है कभी, लेकिन उस दिन मुंबई पूरा स्टैंड स्टिल, और सब लोग सिर्फ रस्तों, पूरा एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े तक सिर्फ लोग दिखे हुए दिखते थे साइड में। और शायद वो जीत इसलिए भी और अहम हो गई थी क्योंकि 2-3 महीने पहले ही हमने वर्ल्ड कप में एक बड़ा मौका गवाया था और हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। तो एक मन में गुस्सा भी था लोगों को, एक भूख भी थी, कई बार होता है कि यार वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया, जीत सकते थे। क्योंकि राहुल द्रविड़ की कप्तानी में जो टीम 2007 में उतरी थी ODI वर्ल्ड कप में, उसने चेस करते हुए सबसे ज़्यादा मैच जीतने का उस वक्त रिकॉर्ड बनाया हुआ था। बड़ी उम्मीदें थी। आप एज ए कोच चैंपियन बनाते हैं टीम को और उसके एक साल के भीतर IPL शुरू होता है। IPL में आप आज की जो सबसे कामयाब टीमों में से है, मुंबई इंडियंस के कोच बनते हैं, लेकिन उसके बाद आप IPL को छोड़ करके और आप दूसरे देश की तरह, एक तरह से मुझे लगता है कि जो एक ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, कि आप निकल पड़े क्रिकेट की यात्रा पे, क्रिकेट को आगे बढ़ाने। तो वो कैसे, इस ये मन में कैसे आया कि अब भारत से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, दूसरे देशों की तरफ चला जाए? जैसे मैंने कहा कि IPL डेढ़ या दो महीने का जॉब था ना, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हैं, आप घर में बैठे रहते हैं। तो मेरा कहना है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, चैलेंजेस आना चाहिए। तो मुझे एक चैलेंज आई कि अफगानिस्तान टीम कोच ढूंढ रहे, तो मैं बोला यार एक अच्छा मौका है,
कोई जानते नहीं थे। मैं आपको कहूँ कि जब मैंने अफगानिस्तान का कोचिंग लिया तो सब बोलते हैं उन लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या, ऐसे अपने क्रिकेटर्स लोग बोलते थे। अफगानिस्तान में कहाँ क्रिकेट होगा, वहाँ तो बम फटती है, वहाँ तो ये है, वहाँ तो यू नो वॉर जोन है, कंट्री है, तो काफ़ी चीज़ें। लेकिन मेरा एक ये था कि नहीं यार, जो टीम को नीचे है उसको ऊपर लाना है, मुझे टर्न अराउंड करना है, और इसलिए मैंने वो चैलेंज लिया। और उनके प्रैक्टिस हम इंडिया में करते, नोएडा में उनको ग्राउंड दिया गया, हम लोग खूब मेहनत किए, और सेकेंड ईयर ही दो उनके यू नो बड़े खिलाड़ी निकले जो कि अब पूरे वर्ल्ड जानते हैं, रशीद खान और नबी। उसके लिए भी मैंने लक्ष्मण को बात किया कि मुझे लगता है कि ये दो प्लेयर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आप सिर्फ देखना उसको नेट में, क्योंकि आईपीएल का चल रहा था 2014-15 में। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप वो इतना प्रेशर ले सकते हैं, मैंने बोला जरूर, इतनी 2016 की बात है, 16 या 17 की। तो उसने मैंने कहा देखो आप नेट में बुला लो उसको देखो, बोलते नहीं नहीं आपने कह दिया दैट मीन्स डेफिनेटली अच्छे होंगे। तो उनको आईपीएल में ऑक्शन में ले लिया बहुत कम इसमें, और आज देखना वो कहाँ पर है, वर्ल्ड के नंबर वन बॉलर है। तो एक सेटिस्फैक्शन होता है कोच को कि ना आप कुछ ना कुछ किए, जैसे कि अफगानिस्तान कोई जानता नहीं था क्रिकेट टीम, लेकिन वो हमने टेस्ट स्टेटस मिले और अभी सभी लोग जानने लगे। उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी टीम, तो हम जब खेलते थे देखते थे उनकी वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड, काफ़ी प्लेयर अच्छे थे, हम लोग को 83 वर्ल्ड कप में भी काफ़ी बड़ा धक्का दिया था, 20 पे 5 थे, लेकिन एक बड़ी टीम थी। तो उनकी टीम भी नीचे, तो उनको पता चला कि मैं अफगानिस्तान से अभी नहीं जुड़ा। यू वोंट बिलीव, मुझे नेक्स्ट मंथ उनका फ़ोन आया, बोला कि नहीं हम चाहते हैं कि अब हमारी टीम को थोड़ा एक, तो मुझे और एक चैलेंज लगा, वो जो है नहीं यार जब इनकी टीम नीचे तो इनको ऊपर लाना, तो वो चैलेंज मैंने स्वीकारा। और उन लोगों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि फर्स्ट एम इज़ टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, तो वो एक चैलेंज लिया। अब लकीली हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गए हैं और हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 2 अक्टूबर में। तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप कुछ ना कुछ टीम्स को यू नो ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, बिकॉज मेरा एक ही कहना है कि टीम ऊपर जाना चाहिए, ग्राफ जाना चाहिए, काफ़ी प्लेयर्स यंगस्टर्स लाए, प्लेयर्स लोग को बात करके अच्छे प्रदर्शन करें, तो मुझे ये चैलेंजेस पसंद होते हैं। और मुझे लगता है कि बस मुझे भगवान ने यही दिया है कि आप जो गिरी हुई या नीची टीम है उनको ऊपर लाना। जी मैं आपकी जर्नी पर आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन कुछ बीच बीच में फ्लैशबैक में भी ले जाऊँगा, क्योंकि वही है कि आप टीम इंडिया को चैंपियन बनाते हैं, आईपीएल जो आज की डेट में सबसे बड़ी लीग है, सबसे पॉपुलर लीग है, उसमें सबसे एक अहम टीम से या सबसे महंगी टीम थी उस वक्त, उस टीम से जुड़ते हैं, फिर एक लंबा दौर है, और आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं कामयाबी मिल रही है, टीम इंडिया के साथ मिली, अफगानिस्तान को पहचान मिली, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में वापस आ गया है, ये सारा तो चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के चलूंगा, उसमें और एक ऐड कर सकते हैं, सॉरी कि आपने जैसे सही कहा कि ग्लोबल यू नो कोच बना, हाँ मैं तो ग्लोबल कोच ही कहता हूं, और मैं हम लोग कनाडा में लीग थी ग्लोबल T20 लीग इन कनाडा, हाँ उसमें मैं फर्स्ट टाइम कोच था, वहाँ पर भी विनीपेग हाउस को मैंने चैंपियन बना दिया और हम चैंपियन बन गए। तो बिल्कुल वो जो एक ताज है आपके पास एज ए कोच, तो लगातार बहुत सारे ताज हैं, भले ही एज ए क्रिकेटर मुझे लगता है वो आपको कामयाबी नहीं मिली जो डिज़र्व करते थे आपको, कहाँ मुश्किल हुई, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुंबई की टीम से खेल रहे थे जिसमें एक वक्त में 7-7, 8-8 नेशनल प्लेयर होते थे, गावस्कर होते थे, रवि शास्त्री होते थे, बेंगसरकर, संदीप पाटिल, तो ये तो पूरी बैटिंग लाइनअप होती थी, बॉलिंग में होते थे हमारे संधू होते थे, तो इस पूरी क्या इस कारण से मुंबई में जगह बनाने में दिक्कत पहले तो आई होगी, और फिर कैसे आपका क्रिकेट करियर क्यों अब वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचा जहां आप जा सकते। सी जब मैं मुंबई से खेलने ट्राई कर रहा था रणजी टीम में आने, सभी लोग कहते थे कि मुंबई टीम में आना बहुत मुश्किल है, आपको इंडियन टीम में खेलना बहुत ईजी है, क्योंकि मुंबई टीम स्टार स्टडेड टीम होती थी, जैसे आपने कहा कि हम किसको ड्रॉप करते हैं, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, रवि शास्त्री, बलविंदर सिंह संधू, चंद्रकांत पंडित, राजीव कुलकर्णी, मैं, तो बहुत मुश्किल होता था ना टीम में। लेकिन जब आप टीम में मुंबई टीम में आ गए दैट मीन्स आप इंडियन टीम के मुकाम हो जाते, बिकॉज इतने स्ट्रांग मुंबई टीम थी। मैं तो कहूँगा कि एक एरा होता है, या मैं रॉन्ग एरा में पैदा हुआ हूँगा, बिकॉज वहाँ पे मुझे कम्पीट करना था सुनील गावस्कर के साथ, देन श्रीकांत के साथ, फिर रमन लंबा आए यहाँ से, नवजोत सिंह सिद्धू थे, तो काफ़ी यू नो ओपनर्स थे यहाँ के, हमें कम्पीट करना पड़ा। अगर आप देखें तो मेरा जो डोमेस्टिक स्टैट्स था बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इंडिया ज़्यादा खेल नहीं पाया बिकॉज ऑफ यू नो काफ़ी सीनियर प्लेयर थे जो कि
और खेलते रहें। तो मैं ऐसा कहूँगा कि मैं रॉन्ग टाइम पे यू नो पैदा हुआ, क्योंकि अगर मैं उसके बाद होता तो डेफिनेटली मैं काफ़ी लंबा खेलता, बिकॉज तब मुझे यू नो लोग और प्रेस सब कहते थे कि गावस्कर के बाद मैं सबसे अच्छा टेक्निकली यू नो साउंड ओपनर था। लेकिन खैर मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी दौर में मेरे ख्याल से मुझे लगता है संजय मांजरेकर भी आ रहे थे, 87 में आ गए थे संजय मांजरेकर। हाँ, 88 में आ गए थे वो, तो एक तरह से वो लगातार फील ही हो रही थी, अगर कोई जगह खाली भी हो रही थी तो उससे उतना ही दमदार बल्लेबाज वापस आ रहा था टीम में। करेक्ट यार, कंपटीशन बहुत था, यू नो कंपटीशन बहुत था। 1989 में सचिन आ जाते हैं या 89 में, या तो वो इतनी, मुझे अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो मुझे लगता है मिसबाह पाकिस्तान में उनको बहुत देर से मौका मिला, माइक हसी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम जाएँ तो शेन वॉर्न के रहते स्टुअर्ट मैकगिल को मौका बहुत मिला, अगर हम भारत में चले आएँ तो जब जोड़ी बनती है कुंबले और हरभजन की तो उस वक्त बहुत सारे स्पिनर जो इवन मुरली कार्तिक उनको भी मौका नहीं थे, लेकिन शायद वो उतना नहीं खेल पाए, तो ये वक्त होता। इसीलिए जब हम क्रिकेट या किसी भी खेल की बात करें तो जब हम सिर्फ आंकड़ों में फंसते हैं तो हम उस खेल को जान नहीं पाते, और वैसा ही होता है जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। अगर शायद आप एज ए कोच बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो शायद आपको दुनिया नहीं जान रही होती, आपको भुला चुकी होती। तो कभी मैं फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलूँगा, आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया, फैमिली में क्या सिचुएशन थी, क्योंकि पहले तो बच्चा को मना ही किया जाता है कि तू पढ़ ले, खेल कूद काम नहीं आना है, पढ़ाई कर ले, तो फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और इंस्पिरेशन आपका पहला। सबसे पहले तो जब सुनील गावस्कर 1971 में वेस्ट इंडीज़ गए थे और उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, 774 रन किए थे, और ये पूरे वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम सबसे अच्छी टीम थी, बेहतरीन फास्ट बॉलर और इंडियन बैट्समैन विदाउट हेलमेट खेलना और इतने बड़े, तो इंडिया में एक रोल मॉडल हो गया था। और जब मैं स्कूल में था तो मैंने कहा यार ये अगर ये आदमी का, तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिला, और मेरा रोल मॉडल सुनील गावस्कर थे, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन मिला कि अब हमको भी कुछ करना है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं मेरे पिताजी का इकलौता बेटा था और मुझे चार सिस्टर थी, तो घर से बोल रहे थे कि नहीं यार आपको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करना है क्योंकि बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है फैमिली के ऊपर। तो मेरे पिताजी BRC में काम करते हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वो चाहते थे कि मैं भी पढ़ाई करके BRC में रहूँ, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी, सेफ नौकरी। लेकिन मुझे क्रिकेट का पैशन था, तो इसीलिए आपने कहा मैंने MBA भी किया हूँ, बिकॉज मैं पढ़ाई करके, क्योंकि मेरे डैडी हमेशा कहते हाँ मैंने MBA किया हूँ उस दौर में खेलने के बाद, या क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना था और साथ ही साथ खेलना भी था, बिकॉज डैडी ने मुझे एक ही कहा था कि आप यस खेलो लेकिन पढ़ाई को निगलेक्ट नहीं करना है। तो मैं ग्रेजुएट बना, फिर बाद में MBA किया, लेकिन ऊपर वाले के शुक्र हूँ कि उसने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ दिए, जैसे कि मैं खेल नहीं पाया लेकिन मुझे कोचिंग में काफ़ी बढ़ोतरी मिली। मैं ऐसा कोच हूँ जहाँ की काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हूँ और लोग चाहते हैं कि मैं उनको आके यू नो अच्छा प्रदर्शन कराऊँ, टर्न अराउंड कराऊँ। और मुझे लगता है कि एक ही था कि मुझे पैशन बहुत था और मेरा वर्क एथिक बहुत डिसिप्लिन हूँ मैं, यू नो, तो इसीलिए आई थिंक मैं अच्छा करते गया, प्लेयर्स लोग भी जानने लगे और टीम्स भी अच्छा प्रदर्शन करने लगी, तो मुझे लगता है कि यस ऊपर वाले ने काफ़ी ये किया। सबसे गावस्कर से मुलाकात कब हुई पहली बार? फर्स्ट टाइम में जब रणजी ट्रॉफी टीम में मुझे शामिल किया गया, तो फर्स्ट टाइम मिले तो हम सर कहते थे, तो उसने एक ही कहा इस ड्रेसिंग रूम में कोई सर नहीं। अच्छा है। एक किस्सा मैं जोड़ूंगा, सचिन के साथ बहुत सारे किस्से हैं इस तरह से, बहुत सारे खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस है, इवन विराट कोहली या दूसरों के, कि सचिन के बारे में एक जो वो जितनी बड़ी शख्सियत हैं तो जो नया न्यू कमर आता है उसको बहुत सारे कुछ ऐसे टिप्स दे देते हैं कि पैर छू लेना, ऐसा कर लेना। कोहली ने एक बार बताया था कि उनको जो भी उनके टीम में कलीग्स थे उस वक्त, प्लेयर्स थे युवराज हरभजन जैसे लोग, उन्होंने कहा कि देखो उनसे तो बहुत गुस्से में रहते हैं तो पैर छू लेना पहले से, तो ये तो गए तो पैर छू लिया। क्या आपके ज़माने में भी कुछ ऐसा था गावस्कर या किसी और खिलाड़ी का इस तरह से ऑरा कि भाई उसके पास जाना है, वो कैसे बात करेंगे उससे इतना बड़ा खिलाड़ी? नहीं, हमारे मुंबई के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे तो नहीं था, लेकिन जब भी आप जाते हैं, आप तो यंगस्टर होते हैं तो आप सर करके बुलाते हैं, लेकिन एक अच्छा उन्होंने कहा कि इस ड्रेसिंग रूम में कोई सर नहीं है, जब आप आए कि आप इक्वल है सबके साथ तो हमें नाम से बुलाओ, तो फिर भी हम सुनील कहते थे नो, उनको सर बोलना पसंद नहीं था, क्योंकि बोलते कि आप भी प्लेयर है, आप भी अब थोड़ी देर में सीनियर हो जाओगे, तो आप ऐसे नहीं कि हमें कि सर कहना है। और दूसरी बात थी कि हमारे ड्रेसिंग रूम में हर एक का सीट फिक्स होता था। अच्छा। हाँ,
तो उतरी, तो जो अभी नया मैं आया तो एक कॉर्नर की सीट थे, तो एक सीट खाली था, तो सुनील ने मुझे कहा कि ये सीट में बैठना, ये लंबे रेस का घोड़ा है तो मैं वो सीट, इसलिए तो मैंने आपकी रेस चल रही है तो मैं वो सीट पे, क्योंकि गावस्कर 15 साल से वही सीट पे बैठे, दिलीप वेंगसरकर उसने भी 100 टेस्ट मैच खेले, संदीप पाटिल काफी एक खेले, तो हर एक का सीट होता, वो सीट छूटते नहीं थे, तो इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि जिस, मुझे लगता है उस ड्रेसिंग रूम को जो भी शेयर कर रहा होगा वो सब के सब आज जो है वेल नोन प्लेयर हैं, वेल नोन प्लेयर के साथ साथ आज भी उतनी ही दमदारी से मौजूदगी है, उनकी भूमिका अलग हो सकती है, कमेंटेटर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं या बोर्ड में किसी भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन हर एक अपनी भूमिका को आज भी अपनी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। किसी एक खिलाड़ी के साथ कुछ मजाकिया मोमेंट्स अगर मैं कहूं, या कहीं आपको परेशानी हुई हो कुछ किसी खिलाड़ी के साथ? नहीं, परेशानी नहीं, तो एक किस्सा कहता हूं, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में थे, सचिन तेंदुलकर को सब लोग गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट कहते थे, गॉड यू नो GOD करके नो, तो ऐसे मानते थे कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी और वो है ना, तो लोग उनसे आके पाँव छूते थे नो। हाँ, तो एक बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हम लोग डिनर के लिए जा रहे थे, तो हरभजन मैं था लिफ्ट में, सचिन थे और एक कोई खिलाड़ी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग 20वें फ्लोर से नीचे आए, तो 10वें फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, तो दो एक हस्बैंड वाइफ ऑस्ट्रेलियन थे वहाँ पे, तो वो अंदर आया, वो सचिन को देखे, बोला ओ गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट जी, तो इमीडिएटली हरभजन बहुत ही यू नो मजाकू था, यस प्लीज कम इन, GOD ऑफ इंडियन क्रिकेट, DOG ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि हरभजन उस सीरीज में मतलब बहुत हंसी मजाक उसके अगेंस्ट ये था यू नो, तो बोला नो नो नो, क्योंकि उसको उसने पहचाना नहीं था, इसलिए उसने जानबूझ के कहा नो नो हरभजन सिंह यू आर ऑल्सो अ ग्रेट लेजेंड करके, तो लेकिन हंसी मजाक करते थे, ऐसे काफ़ी किस्से होते हैं नो ड्रेसिंग रूम में, लेकिन जब भी ऐसे होते हैं ना तो एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है नो, सीरियसनेस ग्राउंड के ऊपर, जब अंदर ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा माहौल अच्छा होना चाहिए, और आई थिंक ये माहौल से ही टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। फिर आपको कैसे लगा, ये तो मैं फिर क्रिकेट करियर में आऊँगा आपके, मतलब एज ए प्लेयर, आपको जब एक वक्त आया कि आप टीम में आए, टीम में कुछ मौके मिले, शायद उस मौक़ों पर उतना परफॉर्म नहीं हुआ होगा, और आप दोबारा टीम से कॉल नहीं आई जब कभी ड्रॉप हुए, तो जब टीम से कॉल नहीं आई वो दौर कैसे बीतता है एक प्लेयर का? सी डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन मैंने पहले टेस्ट मैच में अच्छा किया था, मैंने प्रिपेयरनेस माइंड वही माइंडसेट की बात है। हाँ, निराश तो होगा ही खिलाड़ी, क्योंकि इसके लिए है वो मौका ही नहीं मिल रहा है, खेलना है, खेलने के लिए बुलाया नहीं जा रहा। हाँ, क्योंकि पहले क्या था कि आप अगर एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं किया तो आप ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि काफ़ी लोग थे, लेकिन मैंने पहले टेस्ट मैच में 38 और 64 किया था, तो आजकल अगर आप पहले मैच में 50 करते तो आप 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं, मुझे नेक्स्ट टेस्ट मैच मिला और मैं वो मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो मुझे उसके बाद टेस्ट मैच खिलाया नहीं, तो बहुत निराशा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी एक इनिंग के ऊपर बाहर नहीं जा सकता है। आप जबकि बात कर रहे हैं उस वक्त गावस्कर और श्रीकांत ज़्यादातर ओपन करते थे, या इसलिए मैंने कहा ना कि मेरा कंपटीशन उनके साथ हो रहा था, तो मुझे बहुत, और ऐसे भी था कि इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अगर जब वो इंजर्ड हो जाते या उसका रिटायर हो जाते तो देन मुझे चांस मिल सकता था, लेकिन 85 में मिला बिकॉज गावस्कर 4 नंबर बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने श्रीकांत के साथ ओपन किया। जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ था, और ओपनिंग स्पॉट के लिए काफ़ी लोग थे, और ये दो बहुत बड़े दिग्गज थे, उनको रिप्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। एक वो वक्त था जब आप एज ए क्रिकेटर आपको पता लगा कि शायद अब मैं टीम के लिए नहीं खेल पाऊँगा, टीम इंडिया के लिए, और वहाँ से आपने कुछ सोचा होगा कि अब मुझे क्या करना है, तो उस दौर को थोड़ा याद करिए और मुझे बताइए कि वो आपको कौन, कहीं ना कहीं कुछ हेल्प भी मिली होगी, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे क्या करना है, उस दौर को थोड़ा याद करना चाहूँगा। सी जब मैं मुंबई से खेलता था, मैं 10-11 साल खेला, कप्तान था मुंबई के लिए, फिर एक ऐसा वक्त आया कि अब मुझे इंडियन टीम में लेंगे नहीं, 91 की बात कर रहा हूँ, 91-92, तो जब BCCI ने एक रूल निकाला था कि आप दूसरी स्टेट में एज प्रोफेशनल करके खेल सकते हो, तो उनको प्रमोट कर लो, तो मुझे बुलाया गया था आसाम के लिए, तो एज अ कैप्टन कोच करके ना, तो मैंने वहाँ पर 3-4 साल खेला, तो मुझे वो रोल अच्छा लगा,
कि यार आई कैन कंट्रीब्यूट स्टिल, क्योंकि मेरा मुझे अगर मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ कुछ, मुझे लगता है उसी दौर पे शायद संदीप पाटिल एमपी की टीम से आए थे और फिर चंद्रकांत पंडित आए. एग्जैक्टली ये वही दौर था. मैं वहाँ पे गया, संदीप पाटिल एमपी गए, यू नो. हाँ, तो वो एक नया दौर था कि यू नो, तो मुझे वो अच्छा लगा. तो मैं 3-4 साल खेले वहाँ पे. उसके बाद फिर मैं आया, मैं बोला अभी आराम करेंगे, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत हो रहा था, बाहर थे फैमिली के साथ. तो फिर मुझे, मेरी वाइफ नागपुर की है, तो मुझे नागपुर से ऑफर आया है कि आप तो नागपुर के हो, आपके ससुराल है, तो आप क्यों नहीं नागपुर से खेल सकते हैं. तो एक मौका था, तो वाइफ भी बहुत खुश होगी कि फिर मैं वहीं 4-6 महीना रहूँगा. तो मैं नागपुर के लिए फिर कैप्टन कोच करके 3 साल खेला मैंने वहाँ पे. अब इस पूरे, जब आप ये लंबा दौर है क्रिकेट में, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है क्रिकेटर्स में? काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड यू नो, राजू कुलकर्णी एक अच्छा मेरा फ्रेंड है, चंद्रकांत पंडित अच्छे फ्रेंड थे यू नो, लेकिन बाद में हम मिल नहीं पाए कि वो अलग दौर, ये अलग दौर. और ऐसे जो कहते हैं ना कि हमें बहुत पुश किया, मंगेश भालेकर करके मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, वो हमें बहुत सपोर्ट करता था हमेशा के लिए. तो वो हमेशा कहता कि नहीं, तू एक दिन इंडिया खेलेगा. अरे वो अच्छा हुआ. तो काफ़ी यू नो लोग थे, लेकिन अब क्रिकेटर्स लोग में सहवाग से मेरी अच्छी जनती है, हरभजन से मेरी अच्छी जनती है, इरफान, गौतम गंभीर से मेरी अच्छी जनती है, यू नो मतलब काफ़ी प्लेयर लोग से मेरा एकदम अच्छा रिलेशन रखता हूँ मैं. अच्छा, जो जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप, उन्हीं प्लेयर्स की बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं, कई बार इंटरव्यूज़ में, कई बार बातचीत करने का भी मौका मिल जाता है. एक आपके बारे में सूचना मिली मुझे कि आप मीटिंग में ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं, और कुछ कोच जैसे 2007 में ही कोचिंग स्टाफ में कुछ एक ऐसे थे, नाम नहीं लूँगा, जो मीटिंग को लंबा खींचना चाहते थे, पूरा प्लान यहीं पर तैयार कर लो, और आप छोटी मीटिंग करते थे. हाँ, क्योंकि मैंने कहा, मैं यही हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा मीटिंग करने से आप प्लेयर को कन्फ्यूज करते हो. आप छोटा मीटिंग रखो, 2-3 पॉइंट दो कि वो याद रखे और ग्राउंड में ये करें. तो हम लोग ज़्यादा मीटिंग बड़ा नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने कहा हमारा मीटिंग बहुत शॉर्ट होता था, शॉर्ट एंड ब्रिस, यू नो जो कहते हैं ना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. और आपको जो करना है वो ग्राउंड पे करना है मीटिंग. और मैं काफ़ी चीज़ें 1-to-1 बात करता हूँ प्लेयर्स लोगों से, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है. क्योंकि देखो, नेशनल टीम हेड कोच होना इट्स मैन मैनेजमेंट. या आप देखो, वो प्लेयर लोग को आप क्या कवर ड्राइव या ये सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको खाली यू नो, हमें वो सिचुएशन में क्या करना है, वो सिचुएशन का अवेयरनेस करके दिखाना है, और उनको मोटिवेट करना है, और पॉजिटिवनेस. आई थिंक पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप जिम्बाब्वे के साथ हैं, और जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, एक तरह से उसकी यात्रा वापसी हो गई है, मैं कहूँगा एक तरह से, जो मेन इवेंट्स हैं उनमें, क्योंकि पहले वो वर्ल्ड कप में थी ही नहीं, तो कई बार लोग सोचते थे कहाँ हैं, खेल रहे हैं, कैसे क्या हुआ. करेक्ट. तो आपने वापसी उस टीम की करा दी है. अभी जिम्बाब्वे के साथ कितना लंबा साथ है, या कहीं और का इरादा है? जिस तरह से आप एक के बाद एक देश नाप रहे हैं, तो ये मन में सवाल आया कि कहीं और तो कुछ नहीं बन रहा प्लान? नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी साथ है, 4 साल से हूँ मेरा, और 1 साल है. लेकिन अब मैंने उनको कहा कि मैंने आप लोगों को वर्ल्ड कप यू नो क्वालिफाई तो करा दिया, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो. तो मुझे उन लोगों ने टेक्निकल डायरेक्टर कर दिया है कि टू सी अभी मुश्किल से ये 3-4 महीने के पहले का, 2 महीने के में ऑफिशियल पोस्ट अब आपकी टेक्निकल डायरेक्टर हो गया हूँ. तो मुझे थोड़ा सा फ्री हो गया, क्योंकि मैं ये काफ़ी लीग्स जो है उसमें खेल सकूँ, फैमिली को थोड़ा टाइम दे सकूँ यू नो. और ये लीजेंड लीग्स में कैसे वापसी? यू वोंट बिलीव, मुझे बस मैं आया था अभी जिम्बाब्वे. ये कोच की भूमिका, मैं वही देख रहा हूँ कि जो कोच की भूमिका है, मैं इसको जोड़ना भूल गया था. आप लीजेंड्स लीग में भी वर्ल्ड 11 का कोच थी, जो इंडिया के साथ खेली, और एक तरह से अब भीलवाड़ा की टीम के साथ कोच हैं. तो ये कोच का आपका जो जर्नी है, जो बहुत सुपर फास्ट तरीके से चल रही है. नहीं बस मैं तो कहूँगा ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे लोग चाहते हैं कि मैं उनकी टीम से जुड़ूं, या मेरे मुझ में कुछ अच्छा होगा इसीलिए लिखते हैं. तो एक कोचिंग का जर्नी चलता रहेगा, और मैं बस मेरा जो पार्ट है वो करता रहूं. किसी को अगर अच्छा फ़ायदा होता तो उन प्लेयर लोगों को मैं यू नो अच्छा उनका परफॉर्मेंस जो लेवल पे, उस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊँ. और जो टीम मैं चाहता हूँ वो टीम को मैं जिताने की पूरी कोशिश करता हूँ जी.
ये तो हमने देखा है, क्योंकि मैंने जहाँ से शुरुआत की थी और जो भी आपको, एक तो बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उनको भी पता है कि एक एक करके आपकी जर्नी जो है सिर्फ जो बड़ी है वो कामयाबी को चूमते हुए बढ़ रही है। एक तरह से मैंने शायद दो तरह के हीरो होते हैं, वही एक तो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जो एक परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे फिल्म में हों, चाहे खेल में हों, चाहे ज़िंदगी में हों। ज़िंदगी में भी बहुत सारे होते हैं लोग जो आप जिनको नहीं जानते लेकिन आपके आपकी कामयाबी में भूमिका निभाते हैं, और आप पर्दे के पीछे के सुपर हीरो हैं। तो इस बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लालचंद जी, हमें बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।